चलिए पेज नंबर 191 निकालो। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात कर एक नजर पढ़ना सर पेज नंबर 191 जहां तक पढ़ो सर। इस दरवाजे से बाहर जाना चाह रहा हूं। जी सर, हार्वेस्ट क्या चीज थी सर? पढ़ के बता दो, मैंने उसके बारे में पूछा। डिटैचमेंट सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बायोलॉजिकल एसेट से अलग करने का नाम हार्वेस्ट। नेक्स्ट कहता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है? नहीं लिखो लिखो, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आउटकम्स। पेन पकड़ ले, आपने पढ़ते रहे मैसेज, ये सब स्टैंडर्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, बस एक नजर देख लेना। तो कहता है एसेट चेंज हो जाता है कैसे? नंबर एक, अब यहाँ एसेट कौन है? लिविंग एनिमल एंड प्लांट। ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ कैसे हो जाती है? इंक्रीज इन क्वांटिटी भी हो जाती है, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी भी हो जाती है। सिंपल, एक गाय जो है साल के बाद 2 साल की हो जाए, उससे उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। ये बकरे जो होते हैं एनिमल और प्लांट, इसी तरह प्लांट पौधा छोटा सा है फिर बड़ा होता रहे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्वांटिटी में भी चेंज आ सकता है, इंक्रीज आ सकता है, और क्वालिटी में भी। फिर इसी तरह डी जनरेशन का मतलब है डिक्रीज इन क्वांटिटी, डेथ हो जाए। डिटीरियरेशन ऑफ क्वालिटी भी हो सकती है, अगर वो एज ज्यादा ही हो जाए तो फिर शायद उनकी प्राइसेस कम हो जाती है। और इस तरह अगर प्लांट भी बहुत ज्यादा पुराना हो जाए तो शायद वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस तरह की नहीं देता जिस तरह की पहले दे रहा होता है। तो डी जनरेशन का मतलब सर क्या है? क्वांटिटी में भी कमी आ सकती है और क्वालिटी में भी। रिप्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ एडिशनल लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, अब इसी के लिए एक वर्ड है प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपने हो सकता है इसलिए एनिमल्स रखे हो ताकि आप रिप्रोड्यूस करके उन्हें फर्दर मार्केट में सेल करें। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हो सकता है, आपने एसेट्स को इसलिए रखा हुआ ताकि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करें, हो सकता है सर। सर पिछले पेज पे जाएंगे, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे और कैसे हो सकती है? ऐसा चेंज हो सकता है, और उसकी पे तीन तरीके लिखे हुए, ग्रोथ से चेंज हो सकता है, डीजनरेशन हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकती है, या प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हो सकती है। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, लाइन है समझने के लिए। फार्मर हैज अ हर्ड ऑफ लैम्स, रेवर्ड बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। एज द लैम्स ग्रो दे गो थ्रू द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी एज बढ़ती जा रही है। एज शीप दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, प्रोक्रिएट, रिप्रोड्यूस एंड लैम्स विल बी बॉर्न, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स हो जाएंगे। एंड द वूल फ्रॉम द शीप प्रोवाइड्स अ सोर्स फॉर रेवेन्यू फॉर द फार्मर, तो ये जो वूल है ये फिर क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। Once the wool has been sheared from the sheep, अब sheared का मतलब उतार लेना, cut, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हार्वेस्ट हो रहा है, हार्वेस्टिंग, इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये ब्रैकेट में पढ़ने जो कल बात हो रही थी,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तो IS 41 के मुताबिक फेयर वैल्यू की बेस पे मेजर करेंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टॉक में पड़ी है तो IS 2 अप्लाई करेंगे। किस लम्हे IS 41? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट का मतलब एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट, उसके बाद अगर आप स्टॉक में रख लेंगे और स्टोर रूम में पड़ी है अभी, नहीं एक ये भी चीज है ना, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट डेट से पहले बेच भी दिए फिर तो स्टॉक है ही नहीं, लेकिन अगर स्टॉक है तो फिर आप बैलेंस शीट डेट पर IS 40 की बजाय IS 2 अप्लाई करेंगे। तो एक सारी स्टोरी सी है, पढ़ते रहे इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आपके सामने आ जाएगा। देन रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, पैरा 10 रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यहां से ऑनवर्ड्स आपने जरा सेग्रीगेशन रखनी है दो चीजों के दरमियान, एक है बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट क्या पिछला पेज पर देखा है, लिविंग एनिमल एंड प्लांट है, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है वो भी नीचे जरा देख रहे हैं, नहीं पढ़ ले जरा एक दफा सही तरह। लिविंग एनिमल और प्लांट इटसेल्फ जो है बायोलॉजिकल एसेट है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो उससे हासिल हो वो है। तो यहाँ इनिशियली जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दिया हुआ है ये दोनों का इकट्ठा दिया हुआ है, बायोलॉजिकल एसेट हो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मीनिंग क्या होता है, रिकॉर्ड करने का मतलब, इस केस में कभी ने डेबिट करना, तो बायोलॉजिकल एसेट हो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो इन्हें डेबिट तब करना है जब नीचे की तीनों कंडीशंस मीट हो जाए। नंबर एक, या बल्कि उसका अगला सेंटेंस शुरू करो, एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज अ बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन एंड ओनली व्हेन एंटिटी कंट्रोल्स द एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ब्रैकेट पढ़ो, अगर आपने एक काउ खरीद लिए तो क्या वो आपके कंट्रोल में होगी, लेकिन अगर मोहल्ले का कोई बंदा आके कहे ये मेरी काउ है फिर वो आपकी बायोलॉजिकल, आपका बायोलॉजिकल एसेट नहीं। आप कह सकेंगे भाईजान ये खोल के किधर लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर जिसका दिल करे वो खोल के ले जाए तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं। सपोज आफ्टरवर्ड इट गिव्स बर्थ टू अ बेबी काफ, वो भी आप ही का बायोलॉजिकल एसेट है, तब नहीं मैच्योर नहीं हो रहे, जैसे ही पैदा हो तब कमाल है, जब जैसे ही पैदा होगा हम किसी को दे देंगे, जब मैच्योर होगा वापस ले लेंगे, जैसे ही पैदा हो हमारा, लेकिन अगर कोई और ले जाए उसे तो अगर ये कंट्रोल में है तो उसी वक्त से सर इसको भी डेबिट करेंगे। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज आ रही है सर, बड़ी इंटरेस्टिंग सर। नहीं वो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, नहीं वो बहस बात की बहस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शुरू हो गया जी जी। अगर इस प्रोसेस को आपने मैनेज किए तो फिर ये आप, मतलब आपका ये बिजनेस है तो फिर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। तो पहले इंपॉर्टेंट वर्ड क्या थे, पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स कंट्रोल द एसेट एज अ पास्टिंग, बाकी तो एक्सप्लेनेशन थे नीचे आ रहे। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे या कैसे, उसी एग्जाम्पल अगर कंटिन्यू करें, यू कैन आदर सेल इट और गेट मिल्क, या इसे जिबा करके गोश्त लेंगे, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फाइनली फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो तीन मेन बोल्ड वर्ड्स कह रही है, कंट्रोल हो, प्रोबेबल बेनिफिट्स हो, फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब फर्दर एक्सप्लेनेशन पा रहे हैं। नेक्स्ट अब सिर्फ हेडिंग है बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए, मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात दोबारा फिर एंड में आएंगे। ऊपर जो क्राइटेरिया दिया हुआ था वो किस किस का कंबाइन दिया हुआ है, अब जो हम पढ़ने लगे हैं ये है बायोलॉजिकल एसेट्स की मेजरमेंट की बात सिर्फ, मींस लिविंग एलिमेंट्स और प्लांट नहीं कैसे मेजर होगा। बायोलॉजिकल एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इट मींस फाइनली क्या वर्ड हो गए हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इनिशियली भी and at the end of each reporting period, at the end of each reporting date, ye sab jo words hai na, fair value less cost to sell initially and at the end of each reporting period, ye pehle kabhi aapne nahi padhe। IAS 16 zara zehn milaye, property plant equipment ho, intangible asset ho, IAS 38, agar aur piche chale jaye to inventory ho। इनिशियली हमेशा इन एसेट्स को आप मेजर करते हैं एट कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं,
Purchase price and all directly attributable costs of bringing the asset into present location and condition, import duties, non-refundable taxes, installation costs, all amounts incurred to bring the asset into working condition. Initially हमेशा cost पे है, हाँ subsequently अगर property plant equipment की बात करें तो cost model भी है और revaluation model भी है. Intangible assets में भी initially cost पे और subsequently cost model भी है, revaluation model भी है. Inventories के लिए subsequently क्या है? Lower of cost and RV. Initially हमेशा cost पे ही assets होते थे. यहाँ जो लिखा है वो क्या है? Biological asset is measured at fair value less cost to sell initially भी और हर balance sheet date पे भी. अब इसका meaning क्या है फिर मैं वो examples बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ ये difference जरा note कर लें कि fair value less cost to sell किस किस वक्त है. शुरू में भी, means for example अगर आपने कोई cow purchase की है तो आप उसे उस दिन cost पे debit नहीं करेंगे, fair value less cost to sell पे debit करेंगे. अब वो कैसे आएगी, कैसे working करेंगे वो फिर मैं बताता हूँ. और जब बैलेंस शीट डेट्स आएंगे तब भी फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आप रिकॉर्ड करेंगे, और डिफरेंसेस अगर आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे फिर उसकी भी बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक फर्स्ट सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस नोट कर लीजिएगा, ये इनिशियली वाला फर्स्ट वाला. नेक्स्ट कहते हैं एनी गेन और लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. प्रॉफिट एंड लॉस या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से गेन लॉसेस आ सकते हैं वैसे फेयर वैल्यू चेंज होने से, तो गेन लॉसेस कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में. दो पैराग्राफ और कंप्लीट करें फिर वर्किंग की तरफ आते हैं. इफ एन एंटिटी हैज, अभी शायद आपने कुछ बातें कल सुनी भी थी, इफ एन एंटिटी हैज थाउजेंड्स ऑफ काउज एंड शीप्स. पाकिस्तान में तो शायद अभी इस बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन अगर कभी आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वाली साइड पर देखें, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ क्योंकि स्पेस ही बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बलोचिस्तान में, तो वैसे भी मेरे ख्याल सारी दुनिया को इस वक्त ये ऑस्ट्रेलियन काउज भी दूध के हवाले से बड़ी नज़र आती हैं. अगर आपका फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा फार्म हाउस है और थाउजेंड्स ऑफ काउज हैं, थाउजेंड्स ऑफ शीप्स हैं और अदर बायोलॉजिकल एसेट्स भी हैं, बहुत बड़े लेवल पर आपने कोई बागात उगाए हुए, देन इन ऑर्डर टू मेजर फेयर वैल्यू, अब मेजर आपने फेयर वैल्यू करनी है, और हजारों अगर ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो स्टैंडर्ड ये कहता है यू डू नॉट नीड टू चेक द मार्केट प्राइस फॉर द इंडिविजुअल बायोलॉजिकल एसेट. हर एक की अब मार्केट वैल्यू देखना मुश्किल काम हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड कहता है रादर एंटिटी कैन ग्रुप बायोलॉजिकल एसेट्स बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट. अब वो सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, क्वालिटीज क्या हो सकती हैं, एट्रीब्यूट सिंपली मीन्स क्वालिटीज, एज के हिसाब से इकट्ठा करना कि एक साल वाले एनिमल्स, दो साल वाले, ढाई साल वाले, और क्वालिटी. अभी एनिमल्स की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है, मेरे ख्याल साहिवाल नस्ल की हमारे जमाने में होती है, डिफरेंट नस्ल की भी तो होती है, तो सिर्फ एज शायद मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी या एज को ग्रुप बना के. फिर फॉर एग्जाम्पल अगर 100 काउज हैं एक पर्टिकुलर एज की, तो उनमें से किसी एक की अगर मार्केट वैल्यू मिल जाए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करके सबकी फाइंड आउट करना, मतलब अलग अलग गिन गिन के कि इसकी स्पेसिफिक, इसकी स्पेसिफिक, ये अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करें, ग्रुप कर लें, लेकिन किस बेस पे या किस बेस पे, एज या क्वालिटी की बेस पे, एंड मेजर देयर फेयर वैल्यू इन एग्रीगेट. ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट इज एन एग्रीगेशन ऑफ, मतलब सिमिलर लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स को इकट्ठा कर लें किसी एक एज, मतलब एज के हिसाब से अगर कोई मार्केट वैल्यू मिल जाए तो सब को अप्लाई कर दें, या क्वालिटी के हिसाब से अगर कोई मार्केट वैल्यू मिल जाए तो उस क्वालिटी के जितने जानवर खड़े नजर आए उनकी अप्रोक्सीमेट फेयर वैल्यू फाइंड आउट करें. ठीक है, तो इसमें से मेन चीज क्या है शायद, इफ एन एंटिटी हैज थाउजेंड्स ऑफ काउ, देन क्या करें, मेजर द फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन द ग्रुप, और ग्रुप कैसे बनाए, सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट किस किस को बनाए, एज या क्वालिटी. एक नजर पूरा पैराग्राफ देख के जरा बोल दें, जरा क्या सेंटेंस होगा. Sometimes
कॉस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट अप्रोक्सीमेट फेयर वैल्यू, कहता है कभी कभी कॉस्ट ही फेयर वैल्यू के बराबर होती है, तब इफ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कोई मीनिंग जो आपको पता है बताइए क्या होती है, चेंज नहीं मतलब वो तो ठीक है डिटेल की तो बात, इफ लिटिल चेंज ग्रोथ की वजह से या डीनेशन या रिप्रोडक्शन की वजह से बहुत लिटिल चेंज आ जाए वापस, इफ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रेंस, मीनिंग समझने के लिए जरा एक सेकंड ब्रैकेट में जाए और मेरी एग्जांपल्स गौर से सुनिएगा। सीडलिंग्स का मतलब सीड्स है, प्लांटेड इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर एंड, मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी दरख्त को उगाने के लिए 29 दिसंबर 2021 को एक बीज बोया, खुदाई करके जमीन में बीज किसका बोल दी दबा दिए, नहीं फल का नहीं खुदा गए ना दरख्त का होगा नहीं, दरख्त का बीज आपने 29 दिसंबर को जमीन में दबा के सेट कर दिया है, पर ये बीज आए थे फॉर एग्जांपल 5,000, 31 दिसंबर आपका ईयर एंड है, लेट्स अज्यूम मतलब मैं इसमें एक्सपर्टीज का दावा नहीं करूंगा, लेट्स अज्यूम इन दो दिनों में हल्का सा एक छोटा सा पौधा बाहर आ गया, तो बताएं उस पौधे की फेयर वैल्यू क्या है, अब जरा पढ़े दोबारा समटाइम्स समटाइम्स कॉस्ट अप्रोक्सीमेट्स फेयर वैल्यू इफ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज, अगर ईयर एंड के वक्त ही आपने काम किए हैं तो तकरीबन शायद ये जो 5,000 रुपये कॉस्ट है यही उसकी फिलहाल फेयर वैल्यू कहलाएगी, मतलब अब इस पौधे को ये कितने का कोई खरीदेगा ये शायद कहना बड़ा गैर मुनासिब सा हो जाएगा, आप किसको ही फिलहाल कॉस्ट समझ लेंगे, जो कॉस्ट होगी उसे फेयर वैल्यू समझ लेंगे, हाँ अगले सालों में क्या चेंज आ जाएगा फिर तो उस वक्त आप मैयत कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में दोबारा जाए फॉर एग्जाम्पल सीडलिंग्स प्लांटेड इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड और न्यू परचेज लाइफ स्टॉक, अब लाइफ स्टॉक क्या होता है, लेट्स अज्यूम आपने 29 तारीख को खरीदे 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया, कहाँ से खरीदे होंगे, मार्केट से किस वैल्यू पे खरीदे होंगे, सपोज 50 लाख के मार्केट से मार्केट प्राइस पे खरीदे होंगे, तो 2 दिन गुजर गए तो कितना कुछ चेंज आ गया होगा, शायद बहुत माइनर सा चेंज आया होगा, तो रादर देन कि आप 31 दिसंबर पे दोबारा टाइम वेस्ट करें कि इनकी फेयर वैल्यूज क्या है, वो क्या कहता है इस केस में कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली फेयर वैल्यू होगी, अगर क्या हो जाए सेंटेंस पूरा करना है, कॉस्ट की फेयर वैल्यू कब होगी, अगर लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस, मतलब थोड़ा सा अर्सा गुजरा, मतलब नटशेल शायद ये है, एक जरा ब्रैकेट में एक और लिखना सेंटेंस, इफ अ स्मॉल टाइम पीरियड हैज इलैप्स्ड, इफ स्मॉल टाइम पीरियड हैज इलैप्स्ड सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रेंस, तो फाइनल कर दें सर इस लास्ट पैराग्राफ को, क्या समझ आई है किसी को, किसको क्या ही समझे अगर क्या ही हुआ है, कॉस्ट के फेयर वैल्यू समझे अगर बहुत थोड़ा सा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत थोड़ी सी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कॉस्ट इंक्रेंस के बाद, इट मींस बहुत थोड़ा सा टाइम गुजरा, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट टाइम गुजर गया तो क्या फिर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें सर, फर्स्ट पैराग्राफ में दोबारा जाए मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट वाला,
स्टैंडर्ड की गाइडेंस सबसे पहले क्या है सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी, और अगर कोई गेन लॉस आए प्रॉफिट लॉस। लेकिन देन इसे अप्लाई करने के हवाले से फिर नेक्स्ट टू पैराग्राफ सर, प्रैक्टिकली सम टाइम प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर थाउजेंड्स ऑफ काउज एंड शीप्स हैं तो ग्रुप करा सकते हैं, ग्रुप बनाते हुए सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स को बेस बनाना है जो कौन कौन से हो सकते हैं, और उनको ग्रुप की फिर फेयर वैल्यू इकट्ठी लगा लें रादर देन इंडिविजुअली। और समटाइम्स कॉस्ट ही फेयर वैल्यू होती है इफ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रेंस। एक नजर देख लें कोई कंफ्यूजन अगर है, अगर नहीं मतलब अब क्या फेयर वैल्यू मतलब पता कैसे चलेगी फेयर वैल्यू में, पता कैसे चलेगी जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे? फेयर वैल्यू तभी पता चलेगी ना कि आप मार्केट वैल्यू लगाने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है अगर लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज अकर्ड सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रेंस। अगर बहुत कम ही टाइम पीरियड गुजरा तो उसमें क्या चेंज आ गया होगा, तो वो शायद इनसिग्निफिकेंट आया होगा, इसलिए शायद टाइम वेस्ट करने से रोक रहा आपको। देखिए हमें मार्केट वैल्यूज कहाँ से पता चलेंगे? क्वेश्चन करते हुए तो डेफिनेटली मैं सवाल से पता चलेंगे, लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो हमें मार्केट प्राइसेस मार्केट से पता चलेंगे। तो अब क्या हम मार्केट प्राइसेस ढूंढने के लिए मार्केट जाएं? यकीनन जाएं, लेकिन अगर लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रेंस तो किस को ही क्या समझो? ठीक है जी सर, जी जी इनसिग्निफिकेंट इमटीरियल नहीं, नॉर्मल सिचुएशन शायद यही रहेगी कि अगर वक्त ज्यादा गुजर गया तो कोई ना कोई सिग्निफिकेंट चेंज शायद आ गया होगा। एक नेचुरल प्रोसेस भी तो है ना, अगर आप कोई दरख्त उगाएंगे तो उसने नेचुरली वक्त के साथ साथ कुछ बड़ा होना है, या फॉर एग्जांपल कोई आंधी या तूफान से गिर भी सकते हैं तो कमी भी आ सकती है। इसी तरह अगर कोई और एनिमल है तो उसने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ज्यादा वक्त गुजरेगा मेरे ख्याल कोई ना कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। सिग्निफिकेंट चेंज ये इंक्रीज वाला भी हो सकता है और डिक्रीज वाला भी हो सकता है। मसलन एक सर्टेन एज के बाद जानवर की अगर एज ज्यादा हो जाए तो मेरे ख्याल उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। जैसे वो जब आप बकरा खरीदते हैं तो शायद वो तो दो दांत और चार से ज्यादा हो जाए तो फिर उसकी वर्थ खत्म हो जाती है, तो वो एज के साथ साथ ही अगर बहुत ज्यादा उसका बुढ़ापा आ जाए तो वो एज बढ़ने से उसकी वैल्यू कम भी हो जाती है। यहाँ सिर्फ शायद ये बात है कि ईयर एंड के नजदीक आपने कोई एसेट खरीदा या एसेट उगाया है और जस्ट थोड़ा सा टाइम ही गुजरा बैलेंस शीट डेट तक, तो इस केस में शायद आपको ये चॉइस दी जा रही है कि कॉस्ट ही को फेयर वैल्यू समझो। देन सर जी हमने ऊपर पढ़ा कि फेयर वैल्यू में से क्या लेस भी होना है, तो कॉस्ट टू सेल पे आ जाएगा। कॉस्ट टू सेल इंक्लूड ढूंढनी चाहिए कमीशन टू ब्रोकर एंड डीलर्स। अब ये कोई आजकल वैसे जमाना भी है मवेशी मंडी जहन में रख लें, वहां कोई ब्रोकर वगैरह भी बैठे हो सकते हैं। आजकल तो मेरा ख्याल ये सारा कॉन्सेप्ट ही शायद ये व्यापारियों के हाथ में आ गया। अगर वो आपसे कहता है कि मैं बिकवा दूंगा लेकिन अपना कमीशन लूंगा तो कमीशन इज अ कॉस्ट टू सेल। फिर मंडियों की फीस होती है सर, लेवीज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, कमोडिटी एक्सचेंजेस, फिर कोई अगर ट्रांसफर टैक्सेस भी लगा दिए जाए जिस तरह हम घरों को ट्रांसफर करते हुए होते हैं तो ये सब क्या कहलाएंगे? कॉस्ट टू सेल। ढूंढने तरह कांडी कौन क्या क्या लफ्ज है, कमीशन है, लेवीज का मतलब टैक्सेस हैं, किस किस के टैक्सेस हैं, एजेंसीज के भी और कमोडिटी एक्सचेंजेस के भी। ये मंडी की बात हो रही है, कमोडिटी एक्सचेंज, अब हम यहाँ स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं कह सकते लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ही की तरह शायद आजकल ये मंडियां भी लगी हुई है। प्लांट्स ही नर्सरी होती हैं लेकिन डेफिनेटली प्लांट्स प्लांट्स की बजाय फिर असल में प्लांट्स को शायद सेल नहीं हम करेंगे, उसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो मार्केट में आएगी, तो वो सब्जियों की मंडी और फलों की मंडी वो चीज़ें आ रही। दरख्तों को अगर आप दरख्तों की लकड़ी बेचने का कारोबार कर रहे हैं नहीं मतलब एक एक दरख्त को एक आपका बिजनेस ये भी तो हो सकता है, दरख्त इस पर्पज़ के लिए उगा रहे हैं आप कि आपने इसको काट के इसकी लकड़ी बेचनी है, उसकी अब लकड़ी बेचने के लिए अगर आपको किसी जगह पे उसको लेके जाना है और वहां जाकर टिम्बर का बिजनेस होता है, जिसमें टिम्बर किसे कहते हैं, लकड़ी का भी बिजनेस हो सकता है। एक ये है कि आपने दरख्त इसलिए उगाया ताकि उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करें,
एक ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जरा इसका साइज जरा ग्रो कर दे तो मैं इसकी लकड़ी बेचूं। तो कमीशन मेन वर्ड सबकी क्या है? कमीशन है, और दूसरा क्या है? लेवीज है, और ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज है। ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज क्या है? मतलब किसी सेलर से बाहर की तरफ अगर कोई क्वेश्चन बताया, देन सर इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूजन है। आम हालात में ये जो कैरिज आउटवर्ड्स होता है, सुना है कभी? कैरिज आउटवर्ड जो है ये कुछ सेलिंग एक्सपेंस कंसिडर करते हैं हम, कैरिज आउटवर्ड्स नहीं, कैरिज आउटवर्ड इज अ सेलिंग एक्सपेंस और परचेजिंग एक्सपेंस। लेकिन यहाँ वो कहता है, अंडरलाइन करें जरा, एक्सक्लूड ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कॉस्ट नेसेसरी टू गेट द एसेट टू द मार्केट। अब इसकी ना बड़ी एक लंबी बहस की हुई है, ये जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स है ना, इसमें ये जो सबसे मोटा वाला आपको स्टैंडर्ड नजर आ रहा है, ये बेसिस ऑफ कंक्लूजन का एक स्टैंडर्ड है। बेसिस ऑफ कंक्लूजन का मतलब यह है, जब भी कोई स्टैंडर्ड बनता है तो इंटरनेशनली सारी दुनिया के कुछ, हर मुल्क से कुछ ना कुछ अकाउंटेंट्स मिल बैठ के डिसाइड करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सी रिक्वायरमेंट्स किस तरह होनी चाहिए। तो इसकी एक बड़ी लंबी सी बहस करने के बाद इन पैराग्राफ्स में जो 22 से 26 ये डिसीजन लिया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू सेल। अब इसकी रीजन क्या है वो मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये 22 से 26 सफ़े पे लंबी बहस हुई थी और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस नहीं है। ये आपको क्या चीज़ याद रखनी है यहाँ, मतलब ये कौन सी ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है? ये वाकई कैरिज आउटवर्ड्स है, ये कैरिज इनवर्ड्स की बात नहीं हो रही, लेकिन इसको कैंडी मेरा ख्याल है याद रख लेना ही सफिशियंट रहेगा, क्योंकि अदरवाइज उसने शायद ये नहीं पूछना कि ये क्यों एक्सक्लूड हुई है। तो वो मैं उस बहस में इसलिए नहीं जा रहा, कैसे ही मेरा ख्याल है ये 4-5 सफ़े हैं लंबे लंबे, नहीं इनवर्ट्स का भी कुछ नहीं करना, इनवर्ट्स का मैंने बताना, यकीन इनवर्ट्स का हम बचपन में क्या करते रहे वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ इनवर्ट्स का भी क्या करना है वो भी मेरे पे छोड़ो। सबसे पहले मैंने यहाँ बात किसकी की है, मैंने किसकी बात कर दी है सर? नेक्स्ट पेज पे एक मिनट आए, जरा एक और भी है, नेक्स्ट पेज पे एक मिनट आए। सेलिंग कॉस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वुड बी क्लासिफाइड एज सेलिंग कॉस्ट व्हेन वैल्यूइंग बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? कमीशन लेंगे सर, ट्रांसपोर्ट टैक्सेस लेंगे सर, ये आखिरी जो दो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की तो बात उधर होगी है, एडवर्टीजमेंट भी उसी स्टोरी में शामिल है। नीचे पढ़े जरा एग्जाम्पल आंसर, सॉरी इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं बस कमीशन एंड ट्रांसफर टैक्सेस की, कौन सी दो एक्सक्लूड हैं? अब डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट भी क्यों की जाती है, चीजें बेचने के लिए, तो मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल सिचुएशन में हम हमेशा इसे सेलिंग एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ इसे सेलिंग एक्सपेंस कंसिडर नहीं करना है। क्यों पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ऐसे ही जरूरत नहीं है, लंबी सी बहस है। तो एक्सक्लूड फ्रॉम, इसके साथ दोनों को इकट्ठा करके लिखना जरा, कहाँ से एक्सक्लूड करना है सर? एक दफा अपने हाथ से भी लिख लें, एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट सर। सर क्यों नहीं होता सर वैसे? ये आप किसी उससे पूछ के देखें जो बेचारा आजकल मंडी में चीजें बेच रहा है, पर एनिमल 4-4 हज़ार रुपया शायद लिया जा रहा है, जिस जगह वो बेचारे बैठे हुए हैं उस जगह के भी पैसे दे रहे हैं, ये मंडी के पैसे हैं पर वो क्या है? और सर जाने दें, पर एनिमल पैसे हो रहे हैं सर, उसके अलग हैं, जगह के अलग हैं सर, पर एनिमल अलग लिए जा रहे हैं जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस हो रहा था, बहस हो जाएगी ना, वो तो एक छोटी सी चीज बताई हुई वहाँ कि वो तो अगर मेरे ख्याल को डेट एनिमल भी हो जाए, नहीं वो तो अगर ये प्रॉफिट कमा लेंगे तो वो तो अलग है, उसका टैक्स होगा, लेकिन ये जो मतलब फॉर एग्जांपल अपने एनिमल्स को दूसरे शहरों से लेके जो आजकल बेचने के लिए आए हैं, तो ये जिस मंडी में बैठे हैं, मेरा असल में इत्तेफाक हुआ था, किसी साहब ने मुझे बताया कि उससे 4,000 रुपीज शायद पर एनिमल लिया जा रहा है, और जो डेफिनेटली उसके अलावा जो जहाँ जिस जगह बैठे हैं उसकी एक अलग फीस है, पता नहीं
25-30 हज़ार रुपये बताई जा रही। सर जी आप हैं, आपका मुल्क है सर, टैक्स होने चाहिए सर, क्या होंगे जी। सर जी कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, पेज नंबर 192 पर जाएँ, और कौन कौन सी चीज़ें जहन से निकालनी है कि ये सेलिंग कॉस्ट नहीं है, ये पढ़ दें पहले जरा। कमीशन लेवीज ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एंड कमोडिटी एक्सचेंज एंड ट्रांसफर टैक्सेस जहन में रखना। एक्सक्लूड क्या किया यहाँ से, और नेक्स्ट पेज में क्या एक्सक्लूड हुआ, एडवर्टीजमेंट। आज ये कुछ चंद बातें कल भी नहीं थी, थोड़ा सा और पढ़ने फिर मेरे मतलब थोड़ा बोरिंग सा हो गया क्वेश्चन तो पहुंचते जल्दी से। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कल काफी सारी ये बातें होगी कह सकते हैं, दोबारा पढ़ना। एन एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फूड प्रोडक्ट्स, मसलन फॉर एग्जाम्पल कोई गंदम काश्त हो रही है, चावल की फसल काश्त की जा रही है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फूड प्रोडक्ट। ये गंदम रॉ मटेरियल होगा ना आटे के लिए, क्या कहना। इसी तरह चावल भी रॉ फॉर्म में होता है जब उगता है, उसको फिर ये राइस मिल्स होती हैं जिसमें वो उसका पहले ब्राउन सा धागे ऊपर कवर सा होता है वो उतारना पड़ता है, वो पता नहीं उसे क्या बोलते थे मुझे याद नहीं, अच्छा हस्किंग पता नहीं शायद प्रोसेस को बोलते। इसी तरह जो शुगर केन है वो फिर एक रॉ मटेरियल होगा मतलब शुगर का। द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फूड प्रोडक्ट्स, एक कॉमा है, इन द सेल ऑफ फिश रियर्ड एट इट्स ओन फिश फॉर्म्स। रियर्ड का मतलब होता है नशोनुमा करना, बढ़ाना, मछलियों की नशोनुमा में इन्वॉल्व है। किस किस चीज में इन्वॉल्व है, नंबर वन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ रॉ मटेरियल, फिर सेल ऑफ फिश जिन्हें बढ़ा के अपने फिश फॉर्म पे बेचा जा रहा है, और इन द सेल ऑफ फिश caught in the northern seas by ocean going trawlers। इन तीनों का अलग अलग एनालिसिस करना। ये सबसे पहले क्या चीज थी, entity owns farmland, farmland का मतलब translation करते रहे, जमीन है जिस पर फॉर्म बनाया था, जरूरी जमीन है, on which it grows annual crops of corn, corn क्या होता है, मकई में रखा, for sell to food manufacturers। अब ये मकई से फिर मेरा ख्याल है इसका ऑयल भी होता है शायद, कॉर्न ऑयल। द ग्रोइंग प्रोसेस इज एडेड एंड बाय द केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हाइल एडिटिव्स, अब ये तो न्यूट्रिएंट्स से मेरा ख्याल होगा ना खाद्य, while additives are administered by underlying to the underlying land immediately after harvesting has ended। ye additives are administered to the underlying land, ye zameen ki aise mein lafz bade zameen ki jo ugane ki salahiyat hoti hai zar phase ye bhi shayad with the passage of time कम होते हैं, यदि फिर उसको बहाल रखने के लिए कोई एडिटिव्स की बात कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स तो मेरे ख्याल वो खाते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात कर रहा है, लेकिन वो कहता है जब भी कभी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस एंड हो जाता है तो हम जमीन में कुछ एडिटिव्स डालते हैं ताकि लैंड जो है वो अपनी जरफरेजी बरकरार रख सके। ये जो हजरात मेरा ख्याल दही इलाकों से होंगे उनका जरा आइडिया होगा कि नहीं मतलब ये जमीन अपनी जरफेजी होती जाती खो जाती है। जिप्सम साहब भाई बता रहे हैं, नहीं मैंने तो सुना सुनाया हुआ है आप लोगों से, जिन लोगों को आइडिया है सही कह रहा हूँ। क्या क्या किया जाता है सर फसलें उगाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं, एडिटिव्स क्यों ऐड किए जा रहे हैं, ताकि जमीन अपनी, तो क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, क्या ये मैनेज किया जा रहा है प्रोसेस है। द कॉर्न ग्रोइंग ईच ईयर इज द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ इज इनकरेज बाय द मैनेजमेंट्स एक्टिविटीज एंड द चेंज इज मॉनिटर्ड टू आइडेंटिफाई द टाइम एट विच हार्वेस्ट कुड शुड कमेंस। मींस टू से ये सारा अगर हम मैनेज कर रहे हैं प्रोसेस तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, और देयरफॉर इस स्टोरी पे IAS 41 लगना चाहिए।
एक सदी को जंगल जहन बनाया ना, जंगल में भी कुछ दरख्त उग जाते हैं खुद ब खुद ही, उनपे भी फल लग जाते हैं, वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो क्यों नहीं है, इसे मैनेज नहीं किया जा रहा, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रोसेस अगर है फिर IS-41 नहीं है, उसकी काउंटिंग भी शायद नहीं है, लेकिन अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो फिर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। और हम कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे, अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो क्या हम उससे कोई प्रॉफिट भी चाहते होंगे। फिश फार्मिंग एंटिटी लीजिज अ नंबर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड लेक्स। अब एक तो कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि अपनी ही जमीन है और उस जमीन में आपने कोई तालाब बना ली मछली को, देखे होंगे आपने, हो सकता है इतनी दफ्तर है। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि जमीन किसी और की है, वो रेंट पे ली हो आपने और उसमें अपने मछलियों को पालने के लिए ये झीलें बना ली हो। ठीक है, क्या बना लिया हमने, क्या लेके क्या बना लिया हमने, नहीं झीलें बना ली, से थोड़ा तालाब से बड़ी होगी बात, लेक्स मत देखा कभी वैसे? मैं तो सर मैं कुछ देखे हूँ इसलिए मुझे याद आ जाता है, तो नारायण कवान में भी शायद हूँ, लेकिन इन इलाकों में भी मोटरवेज के इर्द-गिर्द मैंने देखे रिसेंट, सिर्फ मैं नहीं लेकिन मतलब शहर से बाहर। The entity leases a number of privately owned lakes into which it puts underwater tanks for the nashonoma of fish. ये इरेरिंग वर्ड आ रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ। Is it an agricultural activity, sir? Yes, sir. Why? Fish are grown to a suitable size for sale and their feed must be and the feed feed भी हम देंगे। तो ये भी agricultural activity है, IAS-41 apply होगा। अब आ जाए ओशन फिशिंग की बात हुई थी कल। एंटिटी ओन्स अ नंबर ऑफ ट्रॉलर्स, ट्रॉलर्स द ट्रॉलर्स गो टू द सी इन सर्च ऑफ सूटेबल फिश, दिस इज नॉट एन अंडरलाइन। व्हाई? नॉट मैनेज्ड। ऑल्दो देयर इज अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन पार्ट ऑफ द फिश, ग्रोथ होती होगी उनकी, देयर इज नो मैनेजमेंट इंटरवेंशन। हमारी इंटेंशन इंटरवेंशन से हम उन्हें फीड प्रोवाइड करते हैं। Neither there is any routine measurement of the amount of any change which has taken place. क्या हम बार बार समंदर में जाके देखते होंगे कि अब इसमें मछलियों की कितनी कितनी तादाद होगी? हम सिंपली क्या करते होंगे, अपना जाल फेंकते होंगे और बस दुआ करते होंगे मौला आ जाए आ जाए आ जाए। वही कहाँ से नहीं आई, कहाँ से नहीं जाते तो नहीं बता, रब की तरफ से यही है। तो अगर इसमें मैनेजमेंट इंटरवेंशन नहीं है तो ये स्टोरी कहाँ से निकल जाएगी, IAS-41 से निकल जाएगी, नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जब भी कभी ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तो कैंडी जरा ये स्टोरी जरूर पढ़नी है, इसमें से नॉर्मली इस सिनेरियो बेस्ड या थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी उम्मीद है, बाकी न्यूमेरिकल जो होंगे वो तो भी मैं डिस्कस करता नहीं। फिर ये कहीं बस वो मछली अगर निकाल लिए तो अब वो IAS-2 है बस, नहीं वो मछली अगर निकाल लिए तो इन्वेंट्री है, जब तक नहीं बेचेंगे। IAS-41 वाली स्टोरी नहीं, मतलब आप इन मछलियों को एज अ बायोलॉजिकल एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बस अगर मछलियाँ निकालनी है बेचनी है तो जब तक नहीं बिकेंगी तो IAS-2 अप्लाई करेंगे। हाँ उनको निकालने पर जो खर्चे हो रहे हैं वो शायद उनकी कॉस्ट बन जाएगी। हाँ फिर फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ऐसी कंडीशन में मछलियाँ निकालनी है जो इसमें जिन्हें अभी फर्दर और बड़ा करना है हमने, तो फ्री मैनेजमेंट हो जाएगी, वो फिर सॉर्ट ऑफ इनिशियल रॉ मटेरियल टाइप हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल शायद ऐसे मुश्किल हो जाएगा कि ऐसी मछलियाँ निकल आए जो उस साइंस के, वो तो मेरे ख्याल अल्लाह अल्लाह की तरफ से होगा कौन सी निकलनी। लेकिन अगर खास तौर पर आप ऐसी मछलियों की तलाश में जिन्हें आपने फर्दर अपनी मैनेजमेंट अपने मैनेज करके बड़ा करके बेचें, तो फिर वो एक्टिविटी एग्रीकल्चर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन शुरू करें सर, बहुत बोरियत होगी। एन एंटिटी रियर्स एनिमल, अब रियर्स वर्ड याद रहेगा क्या? पाला जा रहा है, पाल के बड़ा किया जा रहा है। एन एंटिटी रियर्स एनिमल्स टू बी सोल्ड इन लोकल मार्केट एट द मेजरमेंट डेट द ओपन मार्केट वैल्यू इज 120। आसान आसान से एग्जाम्पल सब फिर हो जाएंगे। ऑक्शनर कौन होता है? नीलामी करवाने वाला। चार्ज अ सेल कमीशन ऑफ 2% ऑफ द मार्केट वैल्यू एंड देयर इज अ गवर्नमेंट टैक्स लेवी मींस टैक्स बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ 1% ऑन परचेज एंड 3% ऑन सेल। आपने बस इधर ही रहना, आपने
पेयर वैल्यू लेस प्रोसेसर की वर्किंग करवानी है, और अपने हाथ से जहां छोटी सी वर्किंग लिखो, बताए नहीं व्हाट इज पेयर वैल्यू, बिल्कुल सिंपल से गेम हो जानी है सर। 120 एनी कॉस्ट को सर 2% ऑफ मार्केट वैल्यू बताएं कितना बनेगा, 120 इंटू 2%। एनीथिंग एल्स सोच के जरा, 1% लें या 3% लें, कॉस्ट पे सेल लेना आपने, तो परचेज पे 1% है, बेचने पे 3% है, तो माइनस क्या करेंगे 120 इंटू 3%। 1% कब देना है और 3% कब देना है, तो हमने कॉस्ट पे सेल लेनी है, तो 3% इसी में लगेगा, तो कर ले थोड़ी सी गलती। कितना बन गया, ये बन गया था 2.4, 3.6, 120 माइनस 2.4 माइनस 3.6 इज इक्वल टू 120 माइनस 2.4 एंड माइनस 3.6 इज इक्वल टू 114। ठीक है, आज नेक्स्ट स्टेप पर ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स। Some biological assets are physically attached to land, for example, tree plantations. आप इस तरह करें, कोई बाग जहन में रखें, फलों का बाग, किसी जमीन पे होगा बाग और उस पर दरख्त हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर फसल भी सपोज लगती है, तो अब जो जमीन है वो भी बायोलॉजिकल एसेट है, वो IS-16 में है, और जो प्लांट्स हैं ये हैं IS-41। तो सम बायोलॉजिकल एसेट्स आर फिजिकली अटैच्ड टू द लैंड, फॉर एग्जांपल ट्री प्लांटेशंस, एंड इट इज नेसेसरी टू वैल्यू द लैंड एंड बायोलॉजिकल एसेट टुगेदर एज वन एसेट इवन दो द एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ IS-41। कहना वो ये चाह रहा है कि हो सकता है इस केस में सिर्फ दरख्तों की फेयर वैल्यू लगाना, किसी से ये पूछना कि आप मेरे सिर्फ दरख्त कितने के लेंगे मुझे बताएं, तो शायद मुश्किल हो जाएगा, रादर देन दैट आप शायद बाग एज अ होल ही सेल कर पाएंगे, जिसमें क्या क्या शामिल होगा, जिसमें लैंड भी है और ट्रीज भी है, तो इस केस में फिर क्या करें आप, तो ऑब्टेन द फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट, द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड should be deducted from the combined fair value. मतलब इसका सिंपली ये है कि बाग की कीमत लगवा लें, नहीं बाग की कीमत लगवा लें, और आपके पास जैसी जमीन है वैसी जमीन अगर किसी के पास खाली पड़ी है तो एक कीमत उसकी भी लगवा लें, हमारी जो जमीन है उस पर तो क्या होगा हुआ, तो अपने इस बाग की एज अ होल जमीन के साथ प्राइस लगवा लें, और अपने पास जितनी की लैंड है अगर ये लैंड किसी के पास खाली पड़ी है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी लगवा लो। अब क्या करें, अब अपने कंबाइंड फेयर वैल्यू में से किसकी फेयर वैल्यू निकाल दें, अब बस किसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी, आपके प्लांट्स की फेयर वैल्यू, समझ आता, तो टेन क्या है दोबारा पढ़ा, तो टेन द फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट्स, द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड एलिमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंबाइंड फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट, कंबाइंड फेयर वैल्यू द बाग, बाग एज अ होल with the land. Example dekho, a farmer wishing to value an apple orchard, ठीक है होता है, बाग को कहते हैं सेब का बाग, in circumstances where is no separate valuation for the orchard from that of the land on which it is grown, would value it at a combined fair value of the land and orchard less the, वही बात आ गई सर, एक दफा देख के बोलने जरा दोस्त, क्या करके क्या करें, अगर फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट्स अलग मैयर करना पॉसिबल नहीं है या मुश्किल है,
तो फिर पहले कंबाइंड फेयर वैल्यू लगा लें और फिर अपनी जमीन की तरह की किसी लैंड की फेयर वैल्यू लगा लें और माइनस करके कहाँ तक पहुंचा फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट और उसे फिर आप IS-40 के मुताबिक मेजर कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है पेज नंबर 192 की तरह जाए, पेज नंबर 192 पे हमने पहले पढ़ा है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, वो प्रिंसिपल हमने पढ़ा है दोनों का कंबाइन, किन दोनों का, बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके बाद फिर हमने मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट पढ़ना शुरू किया था और हमने प्रिंसिपल ये पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट शुड बी एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी। अभी भी गेम चल रही है बायोलॉजिकल एसेट्स की मेजरमेंट की, अब वापस आ जाए पेज 194 पर। अब कहते हैं फेयर वैल्यू इज नॉट इनिशियली रिलायबली मेजरेबल, अगर फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही तो देन मजबूरन बायोलॉजिकल एसेट इज मेजर्ड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट, मींस कॉस्ट मॉडल ऑफ IS-16 फिर अप्लाई हो जाएगा। क्या बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे मेजर होना है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू रिलायबली इनिशियली मेजरेबल नहीं तो मजबूरन किस पे आ जाए, कॉस्ट मॉडल कौन सा वाला, क्या होता है कॉस्ट मॉडल, लेकिन डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना शुरू करें, व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज का यहाँ मतलब मैच्योर हो जाए, खरीदते ही या मैच्योरिटी का वेट करें, और उस वक्त तक मैच्योरिटी तक जाते जाते जो खर्चे आपके हो रहे हैं फिर वो सारे कॉस्ट का हिस्सा बन जाए। तो इन प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काफ लिया है, अब उसको खिला पिला रहे हैं, फेयर वैल्यू अगर मेजरेबल है और सिचुएशन, लेकिन अगर आप कॉस्ट की बेस पे मेजर कर रहे हैं तो फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस काफ के नाम से घट बन जाएगा, और कब तक ये खर्चे कैपिटलाइज होते रहेंगे, और जब मेच्योरिटी डेट आ जाएगी तो फिर आप फिर डबल एंट्री एक और करेंगे, नहीं काफ डेबिट कैपिटल वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिर उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन, फिर लाइफ एस्टिमेट करेंगे, कोई रेसिडुअल वैल्यूज डिसाइड करेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर, दीज अबव बायोलॉजिकल एसेट्स आर नॉट रिवैल्यूड अंडर IS-16। देखिए हम इन्हें IS-16 के कॉस्ट मॉडल में लेके क्यों गए थे, क्योंकि फेयर वैल्यू रिलायबिलिटी मेजरेबल नहीं थी, तो अब कौन सा मॉडल ऑफ IS-16 अप्लाई नहीं होगा, वो की नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि अगर अप्लाई करना था फेयर वैल्यू, लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली मीन्स फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस था बलोचिस्तान के किसी रिमोट इलाके में, तो शुरू में तो फेयर वैल्यूज नहीं डिटरमिन हो रही थी, लेकिन 2-3-4 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एरिया था जरा डेवलप हो गया और देयरफॉर उसके नजदीक भी मंडियां लगनी शुरू हो गई और मार्केट प्राइसेस अवेलेबल हो गई। तो अगर मार्केट प्राइसेस सब्सिक्वेंटली अवेलेबल हो जाए तो अब आप IS-16 में रह के रिवोल्यूशन मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे, आप वापस आएंगे IS-41 में, और उस डेट से ऑनवर्ड्स जिस डेट से फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है IS-16 से जंप करके IS-41 में आके फेयर वैल्यू लेस प्रोसेसर की बेस पे मेजर करेंगे। दोबारा अगर वापस फर्स्ट लाइन में जाएं जहां इनिशियली पढ़ा हमने, जिस वक्त हमने बायोलॉजिकल एसेट्स लिए इनिशियली उस वक्त सपोज फेयर वैल्यूज मेजरेबल नहीं थी, हम देयरफॉर IS-41 छोड़ के कहां चले गए और कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अगर सब्सिक्वेंटली कभी फेयर वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी तो हम IS-16 में रह के रिवोल्यूशन मॉडल की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि हम वापस किधर से किधर आ जाएंगे, IS-16 से IS-41 में आ जाएंगे और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बेस पे मेजरमेंट करेंगे, और अगर कोई डिफरेंस आएगा तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, कोई सरप्लस या रिवोल्यूशन लॉस और ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की स्टोरी नहीं चलाएंगे। अब ये जेन रखा जा पड़ेगा, ये एक मिनट में बात रखनी कंप्लीट करूँ। दीज अबव बायोलॉजिकल एसेट्स आर 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 सर not revalued under IS-16. If fair value subsequently is reliably measurable, then entity must measure these biological assets from that point, his points onwards. At fair value less cost to sell as per IS-41. अब इन दो paragraphs को जरा इकट्ठा देख के एक दफा कंडी आप भी पढ़ो। जी भाई सर। Majority dates of it, यानी
हर बंदा अपने हिसाब से वो करेगा। ये देखे ना कास्ट हम कह रहे हैं कि वर्किंग प्रोसेस अकाउंट बना दिया, तो मेरे मुताबिक मेजोरिटी डेट यानी कि ना करें सर, हमें कमाल हो गई है। मेच्योरिटी डेट का मतलब ही होगा कि अब आप उससे वो फायदा उठाने की पोजीशन में आ गए हैं जो आप उठाना चाहते हैं। मसल अगर आप उसे दूध हासिल करना चाहते थे, नहीं काफ ये गोश्त हासिल करना चाहते थे, तो गोश्त के काबिल हो गए। अब ये आपका अपना डिसीजन हो सकता है कि आपने उसे गोश्त के काबिल कब समझा है, 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, तो ये डेफिनेटली आपके अपने डिपेंडेंट होगा। लेकिन जो आप फायदा हासिल करना चाहते हैं एनिमल उस लेवल पे पहुंचे। दरख्त मेच्योर कब कंसिडर होगा, लेकिन शुरू शुरू में हो सकता है फल उस क्वालिटी के ना शायद देता हो जिस क्वालिटी के फल आप मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो इवन देन अभी आप कह सकते हैं अभी वो मेच्योरिटी नहीं आई, जब वो फल उस क्वालिटी के आ जाएंगे जिस क्वालिटी के फल आप शायद मार्केट में बेच के फायदा उठा सकते हैं, शायद वो फिर रेलिवेंट आपका मेच्योरिटी लेवल होगा। तो डेफिनेटली इसमें फिर जजमेंट इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये ऑलवेज अज्यूम्ड है कि जब भी अकाउंटेंट को जजमेंट यूज करेगा तो वो अपनी बेस्ट जजमेंट यूज करेगा, कोई एक दूसरे को धोखा देने वाली बात नहीं। हाँ बाकी जजमेंट है, इंसान अपनी जजमेंट में फ्लॉड हो सकता है। ठीक है, इनिशियल वो बाद में भी कर लेता हूँ। देखिए कॉस्ट, अगर आपने एक मोबाइल 20,000 का लिया तो कहाँ से लिया, तो क्या वो मार्केट प्राइस नहीं होगी? लेकिन आप जब खरीद लेंगे तो आप कहेंगे मेरी कॉस्ट है, जब बेच रहा होगा वो कहेगा मेरी सेल प्राइस है। लेकिन अगर ये मार्केट में ट्रांजेक्शन हुई है तो यही मार्केट वैल्यू है। तो मैं आता हूँ उस तरह कि ये कॉस्ट का मीनिंग असल में क्या है। कॉस्ट शायद इनिशियली फेयर वैल्यू होगी, लेकिन एक ये भी तो होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल रादर देन कि हमने परचेज किया, हम एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर कोई एनिमल रिप्रोड्यूस कर गया तो उसकी फिर कॉस्ट क्या है? तो उसकी नहीं, मतलब आप उसकी कॉस्ट अगर देखेंगे तो उसकी फिर मार्केट वैल्यू ढूंढेंगे। तो समटाइम्स मार्केट वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं भी होती, तो इन दैट केस फिर मजबूरन आप कॉस्ट मॉडल पर आएंगे। और इसलिए भी हो सकता है कि अब एनिमल्स की ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन आपके जिस इलाके में अगर कोई रिमोट एरिया है तो उस इलाके में अगर कोई मनी अवेलेबल नहीं है तो फिर फेयर वैल्यू इसका आप डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे। अब ये कहना कि फेयर वैल्यू होगी नहीं ये तो नहीं है, लेकिन अगर आप डिटर्मिन नहीं कर पा रहे और सब्सिक्वेंटली अगर फेयर वैल्यू डिटर्मिन होना शुरू हो गई है तो फिर स्टैंडर्ड रिक्वायर्स कि अब आप आईएएस 16 में ना रहें, आप आईएएस 41 में। नहीं ऑनलाइन तो बेटा ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा शहरों से दूर जाए ना तो ये ऑनलाइन खत्म हो जाती है चीज़ें। हम शायद शहरों में रहकर समझते हैं कि ये हर जगह है, अगर आप इवन लाहौर के इर्द गिर्द थोड़ा सा निकलेंगे तो ये देहातों में, इवन लाहौर के नजदीक हो, और अगर मैं तो चला गया बलोचिस्तान के इलाका में, वहां तो पता नहीं बिजली भी होती कि नहीं, सिग्नल से बड़ी दूर की बात होगी। तो ठीक है, मतलब अगर हम इन इलाकों में हैं तो यहाँ तो शायद फेयर वैल्यूज बिल्कुल ईजी है। यहाँ तो एक लाहौर में पता नहीं कितनी फेयर वैल्यूज मिल रहे हैं आपको, और हर मोहल्ले में सबको तो फेयर वैल्यू लग जाएगी। लेकिन मतलब अगर आप रिमोट एरियाज में और खासतौर पर जहाँ बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, फिर शायद शहरों में तो नहीं हो और दूर दूर हो सकते हैं। तो अगर ऐसे मतलब अब अगर हो जाए तो, लेकिन अगला जरा एक पैराग्राफ पढ़ना, आईएस 41 सेज कि ये वैसे रेयर चांस है कि फेयर वैल्यू ना मिले, लेकिन अगर ना मिले तो फिर कॉस्ट मॉडल पे आए। तो एक जरा पैराग्राफ और बीच में अगला अकॉर्डिंग टू आईएस 41 देयर इज अ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या होती है? ये अजम्पशन है कि फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स। एक बेसिक अजम्पशन है कि मिल जाएगी। हाउएवर कहता द प्रिजम्पशन दिस दैट प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड मींस आगे देने का मतलब हो जाएगा क्या आप इसे आप कह सकते हैं कि ये अजम्पशन सही नहीं है, sort of इससे रिबट आप इस अजम्पशन को अजम्पशन का इनकार कर सकते हैं कि ये अजम्पशन ठीक नहीं है। ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, मसलन फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली फेयर वैल्यू मिल जाती थी और आपने फेयर वैल्यू के बेस पे मेजर कर लिया है तो स्टैंडर्ड कहता है बाद में फिर ये हम अज्यूम करेंगे कि बाद में ये मसला नहीं आया कि पहले मार्केट्स होती थी अब मार्केटें गायब हो गई हैं एसेट्स की, ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। हाँ अगर जिस वक्त आपने एसेट लिया था उस वक्त ही अगर मार्केट्स नहीं थी तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली मार्केट्स अवेलेबल हो जाए तो इवन देन अपने आईएस 41 में आ जाए। तो ये जो अजम्पशन है आपने कब ही रिबट करनी है, इनिशियल रिकॉग्निशन ये ऊपर आया भी था बड़े लिंक करेंगे लिंक करें प्लीज। इफ फेयर वैल्यू इज नॉट
इनिशियली डिनाइबल, तो क्या इस प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है? रिबट समझ गए सर, रिबट समझ गए सर, इस अजम्पशन को वायलेट किया जा सकता है कि फेयर वैल्यूज मिल जाएंगी? किया जा सकता है सर, लेकिन कब किया जा सकता है? नहीं नहीं इनिशियल रिकॉग्निशन पे, मतलब इसका ये कि इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर फेयर वैल्यू मिल गई है तो आप सबसिक्वेंटली ये नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू आईएस 41 कि अब फेयर वैल्यूज नहीं मिलती, लेकिन अगर इनिशियली फेयर वैल्यूज नहीं मिल रही तो आप यकीनन कह सकते हैं कि हाँ जी नहीं मिल रही, और देयर फॉर आईएस 16 का कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर। अगर इनिशियली फेयर वैल्यू मिल गई है तो क्या करें, फेयर वैल्यू लेस प्रोसेसर आईएस 41 में रहें और इट इज अज्यूम्ड के बाद में इंशाल्लाह मिल जाएंगे, लेकिन अगर शुरू में नहीं मिल रही तो आप कह सकते हैं कि हमें नहीं मिल रही, स्टैंडर्ड अलाउ करता है, लेकिन किस वक्त ना मिले? नहीं ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन मींस फॉर द क्लियर, कब अगर नहीं मिलेगी फिर तो कॉस्ट मॉडल हो सकता है, अगर इनिशियली फेयर वैल्यूज नहीं मिल रही तब को कॉस्ट मॉडल पे जा सकते हैं, और अगर सब्सिक्वेंटली मिल जाए फिर क्या करना है, फिर आईएस 41 में आ जाना। ठीक है, बेसिक अजम्पशन स्टैंडर्ड की यही है कि फेयर वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन इस अजम्पशन को कब रिबट किया जा सकता है, क्या मतलब रिबट किया जा सकता है, मानने से इनकार किया जा सकता है, लेकिन इनिशियल रिकॉग्निशन पे आप कह सकते हैं कि नहीं भजन जी, स्टैंडर्ड में जो लिखा है कि फेयर वैल्यूज मिल जाएंगी, हमें नहीं मिल रही है इनिशियल रिकॉग्निशन पे, और देयरफॉर हम कॉस्ट मॉडल पे चले गए हैं। अब ठीक है प्लीज क्लियर, अब पढ़ दें जरा तीनों पैराग्राफ कट हो, पढ़ दें मतलब इसको पढ़ दें का मतलब अपने लफ्जों में पढ़ दें। इनिशियल रिकॉग्निशन पे बस कॉस्ट मॉडल अलाउड है, इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर फेयर वैल्यू नहीं मिली तो कॉस्ट मॉडल अलाउड है, स्टैंडर्ड सेज अगर इनिशियल रिकॉग्निशन पे फेयर वैल्यू मिल गई है तो इंशाल्लाह सब्सिक्वेंट भी मिल जाया करेगी। यू कैन रिबट दिस अजम्पशन ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड देन कैन चूज कॉस्ट मॉडल, लेकिन उस कॉस्ट मॉडल में भी अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू मिल गई तो वापस किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड में आ जाना, आईएस 16 से आईएस 41 में, मींस किस स्टैंडर्ड में रहकर रिवैल्यूएशन नहीं करनी, 16 में रहकर रिवैल्यूएशन नहीं करनी, इसमें वापस आना जरूरी है आईएस 41। ज्यादा फंस गए, एग्जाम्पल अब आई जाए बच्चे इसमें जी चलेंगे आगे ऑनलाइन सेट से पूछ, नहीं वो तो ठीक है उस वक्त मिल गई होगी, अगर तो मिल गई तो फेयर वैल्यू लगा लें, लेकिन अगर न्यू बॉर्न तो ज्यादातर तो फिर यही होता है, बार बार आप मार्केट से खरीद के इतनी दूर तो नहीं ना लेके जाएंगे, आप मार्केट से खरीद के तो बलोचिस्तान में नहीं लेके जाएंगे, वो तो चंद एक शायद होंगे, उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे कि तो चंद एक इंपोर्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपको खुला इलाका चाहिए था, आपको हजारों की तादाद में रखने के लिए जगह चाहिए थी, तो वो तो फिर बड़े बड़े फॉर्म बनेंगे, अगर तो नॉर्मली शायद आबादियों से दूर बन जाए, तो अगर वो दूर बन गए और नई रिप्रोडक्शन हो रही है तो उस नई रिप्रोडक्शन की फेयर वैल्यूज इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप कॉस्ट मॉडल चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनवर्ट्स को और से देखें तो शायद स्टैंडर्ड ये कहना चाहता है कि नॉर्मली फेयर वैल्यूज मिल ही जाती हैं, एक्सेप्शन है शायद, क्या चीज एक्सेप्शन है, फेयर वैल्यू मिलना या ना मिलना, ना मिलना एक्सेप्शन है, इन दैट केस फिर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हैं। तो सर उसने आईएस 41 नहीं अप्लाई करना, उसने आपको बुला लेना है, जिस बंदे के पास हजारों कॉल्स होंगी उसने हिसाब किताब करने के लिए अकाउंटेंट रखने हैं, और क्या अकाउंटेंट्स को भी आईएस 41 नहीं पता, आपको पता है ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन्हें तो आईएस 16 का नहीं पता, इन्हें आईएस 2 का भी नहीं पता, तो उन्हें नहीं पता होना था सर, उन्हें तो स्टैंडर्ड्स का भी नहीं पता होना, वो किसे ढूंढेंगे सर इस काम के लिए, और इंशाल्लाह आप उन्हें नजर आ जाएंगे। एग्जाम्पल जान ना छोड़ा मिस्टर बैग, आज तो पढ़ गया एग्जाम्पल सर, चले सर अभी यहाँ एक डबल एंट्रीज आनी है और थोड़ी सी हट के डबल एंट्रीज आनी है, कंसंट्रेट करना आप लोग, एंटिटी परचेज द कॉ फॉर रुपीज 1,20,000,
इन एडिशन देर इज अ कैरिज कॉस्ट ऑफ 2000। अब यहाँ ये कैरिज कॉस्ट कौन सी है, कैरिज आउटवर्ड या इनवर्ड? जिंदगी में कुछ चीजों से हम यूज तो हो गए हैं, तो उनको भी जहन में रखे, जो नई चीज है वो सुननी है। क्या ये कैरिज इनवर्ड्स कैपिटलाइज होती है? क्या ये कैरिज इनवर्ड्स कैपिटलाइज होता है? बचपन से होता है। आज अगर नहीं होता तो मैं बताता हूँ। द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट इफ इट सेल्स द काउ देन द ऑक्शनर चार्ज अ सेल कमीशन ऑफ 2% ऑफ द मार्केट वैल्यू एंड देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ 3% ऑन सेल्स। नहीं, एक मिनट में देखिए, इस वक्त हमने काउ खरीदी है, क्या ये बायोलॉजिकल एसेट है? इसे इनिशियली भी फेयर वैल्यू पे मैयर करना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस काउ? 122 हो जाएगी। अगर हम इन्वेंट्रीज या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह की पुरानी बात करें तो 122 की डबल एंट्री बनेगी। 120 ठीक है, 122 डबल एंट्री बताए। काउ डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन ये है कॉस्ट मैयर। स्टैंडर्ड क्या कहता है? शुरू में भी किस से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट हो सकता। अब वो कैसे फेयर वैल्यू बनवाएंगे? ढूंढे फेयर वैल्यू क्या है यार, ये तो कॉस्ट है। इस वक्त यही मार्केट वैल्यू भी होगी, अपने मार्केट से खरीदी 120 होगी। नहीं, 120 मार्केट वैल्यू, वो तो रस लाने की कॉस्ट है। कितने पे मार्केट में ट्रेड हो रही होगी, जितने पे आपने खरीदी, तो दैट इज फेयर वैल्यू। अब इसमें से लेस क्या करना है? कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल में कैरिज इनवर्ड्स आएगा? इसमें कैरिज आउटवर्ड्स भी नहीं आना, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आना। इसमें दो चीजें जो लिखी है ये आनी, कौन कौन सी? तो 2% एंड -120,000 इनटू 3%। सिर्फ आप वर्किंग कर लें, बाकी सब कुछ आपके पास लिखा हुआ। 1,14,000 बिकम्स, पूरा वर्ड्स बोले, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। याद है? ठीक है, अब फुल कंसंट्रेशन से जरा एंट्री सुनो। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट या क्रेडिट? कितने से? 114,000। किस अमाउंट पे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। इनिशियल रिकॉग्निशन भी कॉस्ट पे नहीं हो रही, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। कैश कितना जाएगा? कैश कितना जाएगा? 120 प्लस 2000। 120 किसका, 2000 किसका? तो कितने पैसे देके, वर्ड गौर से सुनिएगा, कितने पैसे देके कितने पे एसेट हमारा डेबिट हुआ है? तो इस इनिशियल रिकॉग्निशन पे कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये 8,000 ये कैसे बना? कंसंट्रेट कीजिएगा पूछो। नहीं, डिफरेंस तो बन गया, लेकिन ये डिफरेंस कैसे बना? नहीं नहीं, इसलिए नहीं बना। एक सेकंड, सिर्फ 120 जरा ध्यान में रखें। 120 और 114 में कितना फर्क है? तो जो 2000 कैरिज इनवर्ड्स वाला था ना, वो भी इस वक्त कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में। वो कैपिटलाइज कोई नहीं हो। अगर आप कॉस्ट बेसिस मेजरमेंट करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, इनटेंजिबल्स में, इन्वेंट्री में, तो हमेशा वही प्रिंसिपल है जो आपको पता है। इनिशियली कॉस्ट पर मेजरमेंट होती है। ऑल अमाउंट इनकर्ड, सेंटेंस पूरा करना, ऑल अमाउंट इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन आर कैपिटलाइज। लेकिन यहाँ नई स्टोरी क्या है कि फेयर वैल्यू पे बायोलॉजिकल एसेट्स को मेजर करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और जो डिफरेंस आएगा इनिशियल मेजरमेंट पे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे, उसने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। अब इसकी ना ये जो रीजन है कि इसे क्यों कॉस्ट पे डेबिट नहीं करना और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे क्यों डेबिट करना, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म की इसकी लॉजिक है। लेकिन मैं उस तरफ इसलिए नहीं जाऊंगा कि ऐसे टाइम वेस्ट के लिए,
मतलब उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को और उसमें फजूल में हमारा टाइम वेस्ट हो जाना। इसकी लॉजिक बहुत बेहतरीन है, आप एंट्री लिखें। मैं जरा सोचता हूँ कि अगर मैं उस लॉजिक को जरा एक मिनट में आपके सामने पेश करने की पोजीशन में हूँ तो फिर मैं बात कर देता हूँ। अभी एंट्री जरा अपने हाथ से लेता हूँ। एंट्री करने का तरीका समझ आ गया क्या? फेयर वैल्यू लेस प्रोसेसर आपने डिटरमिन करने हैं, उस पे एसेट डेबिट कर लेना, पैसे जो गए हैं वो लिख लेने हैं, डिफरेंस अगर आएगा तो गेन या लॉस बन जाएगा। क्या ये हमेशा लॉस ही बनेगा? इस खौफ को खत्म करने के लिए एक मिनट का पेज 195 पर सेकंड एग्जांपल देखो। द एंटिटीज काउ हैज गिवन बर्थ टू अ बेबी काउ टुडे। जी सर, इज इट अ बायोलॉजिकल असेट? यस सर। अब इसको रिकॉर्ड करना है, फाइंडिंग किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू ऑफ द सर। नेक्स्ट लाइन, लेट्स अज्यूम फेयर वैल्यू ऑफ द बेबी काफ इज 10,000। किस वक्त? इसी वक्त, इसी वक्त। इन ऑर्डर टू सेल द काफ एंटिटी है विल हैव टू पे 200 इन ट्रांसफर टैक्स एंड सेल कमीशन ऑफ 1500। मतलब ट्रांसफर टैक्स एक किसी को बेचने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट ने टैक्स रखे हैं, ट्रांसफर टैक्सेस, टाइटल ट्रांसफर, सही है, टाइटल ट्रांसफर है। जी सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। जिससे 10,000 माइनस 200 माइनस 1500, क्या है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल? 8300। डबल एंट्री बताएं। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, और जाने दें, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट 8300। कैश बताएं कितना क्रेडिट? ये तो हमारे एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल एसेट है। कैश कितना क्रेडिट? क्या रब की तरफ से आपको इनाम मिला है? yes, तो ये गेन है सर, गेन ऑन इनिशियल मेजरमेंट, प्रॉफिट लॉस को रहा। फायदा हो गया सर, समझ आता गेन। अब यहाँ जरा थोड़ी सी और बोरियत से बचने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज नंबर 436। ये नहीं लॉजिक, मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, शायद एक और चीज आ जाए सामने। आपने आजकल के जमाने में ये लफ्ज सुने होंगे, अल्लाह करे कुछ सुनते भी सुनाते भी होंगे, वैसे ड्रीम करी जा रहा कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए दुनिया में। क्या मतलब? जंगलात कटेंगे। इसी तरह ये भी कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है दुनिया में कि आप ये एनिमल्स हैं बस इनकी जिबा कर करके खत्म कर देते हैं। जरूरी नहीं करें, लेकिन साथ ही नई प्रोडक्शन भी। इसी तरह अगर दरख्त काट रहे हैं तो पहले ये इंतजाम करें कि कम से कम एक और दरख्त उसकी जगह खड़ा होने को तैयार हो जाए। तो इस दुनिया में मतलब ये जो एनवायरनमेंट है इसका, इसको सस्टेन रखें। तो सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स को खत्म ना करें, इनको खत्म अगर करना जरूरी है, इंसानों ने कंज्यूम करना अगर, तो इनका जो लेवल है दुनिया में वो कम से कम बरकरार जरूर रहे। तब ये वाली बात ध्यान रखें, बाकी जो अगली बात है वो फिर थोड़ी देर बाद। लेकिन
इसमें ये बात है हमको तो जंगली जानवर नहीं सर, जंगली जानवर फॉर्म्स में पहले सर नहीं, मतलब मीन्स टू से फॉर एग्जांपल अगर ऐसे इंसान जो है लालची सा है, शॉर्ट टर्म फायदा हासिल करना चाहता है, तो ऐनी दरख्त काटी जाए मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, बाद में मुझे क्या वो नए आए ना आए। इसी तरह बस जितने मेरे पास है, हजारों एनिमल्स हैं, बस आज ही मैं जिबा जुबा करके मुकाऊं काम, रातों रात अमीर हूँ, बाद में कोई प्लॉट ले लूं। इंसान इसी तरह का है, बाद में जो पैसे अच्छे भले जो मतलब किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में लग रहे थे, मेरी डेड इन्वेस्टमेंट होगी, मैंने प्लॉट ले लिए, अब ये मैं सो गया हूँ, प्लॉट बढ़ेगा तो इंशाल्लाह मैं अमीर हो जाऊंगा, उसमें से कुछ पैसे मैंने बैंक में रखवा दें, वहां सूद खा लूंगा। तो इंसान चाहता है बस ठीक है, उसके पास मैं नींद आराम से पूरी करूँ और मैं अमीर होता जाऊँ। तो इंसान बड़ा लालची है सर, वैसे आपके इतफाक ही नहीं मेरे जैसे लोगों के साथ। तो मैं जरा अच्छे से अपनी बात को सिर्फ लेके जाना चाह रहा हूँ जो लॉजिक इसकी है। तो डिफॉरेस्टेशन हो गई और इंसान का एक लालचीपन आ गया सामने। बाकी थोड़ी सी बात में थोड़ी ठहर करता हूँ, बीच में क्वेश्चन और शामिल करें। रिकी रॉकी लिमिटेड सर, क्वेश्चन नंबर वन सर, पेज नंबर रिपीट कर दें एक दफा, फाइनली बता दें 436 क्वेश्चन नंबर वन, मान ली तो पेज नंबर भी मसला बन जाता है। नहीं वॉल्यूम होपफुली पता है बच्चों को, वॉल्यूम नंबर 5 की बात हो रही है। रिकी रॉकी लिमिटेड एज द सॉरी रॉकी रोड सॉरी मैं रिकी रॉकी कही रॉकी रोड लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ 2000 काउज ऑन 1st January 2019। बात सभी है बस इतनी सी, लेकिन एग्जामिनर जो डाटा देता है वो फिर सही पढ़ना पड़ता है। ऑन 1st May 2019 RRL purchased 750 cows at a fair value of 56,000 per cow. अब देखिए यही कॉस्ट भी होगी, क्या ख्याल मार्केट से खरीदा है, इसी को कॉस्ट भी कहेंगे, यही फेयर वैल्यू है। फर्दर 2 million वर इनकर्ड टू ट्रांसपोर्ट द काउस टू द फॉर्म कैरी जेनरेट है। On 1st August 19, RRL imported cattle feed of US$1,50,000 against advance payment of 70%, against 70% payment, sorry. ये थोड़ा सा IAS 21 बीच में आना है, फॉरेन करेंसी है जिनमें एक कैटल फीड भी बायोलॉजिकल असेट है। नहीं हाँ ये मतलब ये भी कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी नहीं है, हमने ये फीड मंगवाई है, फीड परचेज की है, अगर बच जाएगी तो स्टॉक है, क्या ख्याल है कितने डॉलर्स की मंगवाई है? 70% पेमेंट कर दिए। RRL also paid 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, ये भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा। द फीड इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू काउज दैट कीप देम हेल्दी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस, उन्हें सेहतमंद रखने के लिए ये खास तौर पर फीड डिजाइन होगी, जिस तरह वो शायद आजकल वो मुर्गियों की फीड होती है, वो भी पता नहीं क्या है बेसिकली। एट द ईयर एंड 30% ऑफ द अमाउंट, अब ये भी इसी तरफ चली गई गेंगे, जो अदरवाइज जो है ना वो सिर्फ अब चिकन में नहीं था, ये अदरवाइज जो दूसरा मीट है वो भी बस अब आर्टिफिशियली हो गया सारा, वो भी कोई नेचुरल अब नेचुरल वाली चीजें नहीं खत्म रह गई, तो भी अब नॉर्मल सी मतलब जल्दी से ताकि उनका साइज बढ़ा दे जल्दी जल्दी। एट ईयर एंड 30% ऑफ द अमाउंट इज पेबल वेर एज 40% ऑफ द फीड इज अनयूज्ड, कितना पेबल है और कितना अनयूज्ड है, 30% लाइबिलिटी भी रहती है और 40% स्टॉक अभी पड़ा। जी मैंने एक जमाने में जब IAS 21 का टेस्ट किया था उसमें ये कैटल निकाल दी थी, ये शामिल कर दिया, तो कैटल बीच में आ गई। फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यूज पर काउ अवेलेबल 1st January 2019, 1st May 2019, 31st December 2019 एवरेज फॉर द ईयर, ऑक्शनर चार्ज 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम सेलर, फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट टाइम ऑफ परचेज एंड 4% एट द टाइम ऑफ सेल ऑन फेयर वैल्यू। Foreign exchange rates are also available. Rupees versus one US dollar. Required आपसे क्या है? General entries करनी है 31st December 2019 की, शुरू हो जाएंगे।
नहीं नहीं आप तो देख रहे हैं नहीं, लेकिन वो मतलब बायोलॉजिकल एसेट नहीं है ये, 41 अप्लाई तो नहीं होगा, नहीं कैपिटलाइज तो हमने करना ही नहीं है, हमें तो फेयर वैल्यू लेस प्रॉफिट सेल पर रखना, तो उनकी कॉस्ट का तो हिस्सा बनने वाली बहस ही खत्म हो गई। वैसे भी एक चीज एक होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जनरेटर लगा लिया, अब जनरेटर को चलाने के लिए आप डीजल डलवाते हैं तो वो आप कैपिटलाइज तो नहीं करते। अब इसी तरह काउस को चलाने के लिए हम खिला पिला रहे हैं तो मेरा ख्याल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या ख्याल है? एसी लगा लिया, बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल एक्सपेंस आउट ही करेंगे, ऑपरेशन खर्चा, ऑपरेशनल खर्चा। हाँ, अनलेस हमने काउस को रखा होता कॉस्ट मॉडल पे और काउस अभी मेच्योर ना होती तो फिर मेरे ख्याल उनको मेच्योरिटी लेवल पे लाने के लिए उनको अवेलेबल फॉर यूज करने का खर्चा होता था। जी सर जी, रॉकी रोड लिमिटेड, जनरल एंट्री सर, फॉर द ईयर एंडेड, For the year ended 31st December 2019, first January यार। तो चलें सदी, सब कुछ पता है आपको, नथिंग न्यू, अब सब कुछ आपका पता है, बस सीक्वेंस लगवा दें चीजों। ये फर्स्ट डेट बोले, फर्स्ट जनवरी क्यों नहीं, ओपनिंग बैलेंस है शायद, हैड अ स्टॉक ऑफ फर्स्ट मई। जी ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट मैं कितनी काउस खरीदी थी ये करवा दे, रुक के ना एंट्री करवा दे, छोड़ दे लिखना, बस डेट लिख लिया तो रुक जाइए, ये फिगर्स जरा बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फिगर्स बड़ी बड़ी हो जानी है, परसेंटेजेस ढूंढनी है, वर्किंग करवा दे, बस एक ही शायद एंट्री, बाकी तो फिर रिपीट रेपिटेशन ही। बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट, किसे कह रहा हूँ बायोलॉजिकल एसेट्स, काउस जो नहीं खरीदी, कितनी खरीदी है छोड़ दे लिखना, 750 मल्टीप्लाइड बाय 56,000 तो हो गई फेयर वैल्यू। हाँ जी, अब माइनस कर लेते, अब ढूंढ ले जरा क्या क्या माइनस होना, कॉस्ट टू सेल लेनी है आपने, हाँ जी, ऑक्शनर की कमीशन लेंगे फ्रॉम सेलर, गवर्नमेंट लेवी है 3% एट द टाइम ऑफ परचेज एंड 4% एट द टाइम ऑफ सेल, इस वक्त आप 3% देंगे या 4? यकीन आपने पे कितना किया होगा, 3%, लेकिन हम इस वक्त कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वर्किंग करवानी है, 2% पे आते हैं, 2% लेना, किसका 2%, यहाँ पर कोई वर्किंग करनी पड़नी है, 750 into 56 ये 42 मिलियन बन जाता, तो ये 42 मिलियन कहलाएगा फेयर वैल्यू, माइनस 42 मिलियन इनटू क्या, इनटू क्या, इनटू क्या, 2%, माइनस 42 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4% या 3%, और जाने दें यार 3% यार, 3% क्या है और 4% क्या है, बेचेंगे तो 4% देना है, वो कॉस्ट सेल है, और जब खरीदा होगा तो यकीनन 3% दिया होगा, वो अलहदा अभी बहस है, यहां तक आंसर बता दो, बाद में लिख लीजिएगा, पहले फिगर्स सॉल्व कर लेंगे। 39.48 मिलियन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे आपने बायोलॉजिकल एसेट्स को डेबिट कर लिया, डन, देन अब कैश का डिसीजन दिलवाएंगे, पैसे कितने दिए हैं, फिगर शुरू करो, 750 into 56,000 देंगे ये, तो 42 मिलियन ये हो गया, और कुछ 2 मिलियन भी पे किया होगा, प्लस प्लस बिल्कुल ठीक है, प्लस क्या परचेज पे भी कोई कमीशन है, नहीं परचेज पे कमीशन निकल नहीं है, वो बेचने पे, हाँ जी, गवर्नमेंट लेवी है परचेज पे 3%, तो क्या करें, प्लस फिगर 42 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय
3% पे आपने यकीन है 3% ही किया होगा, लेकिन कॉस्ट टू सेल में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए 45.26 मिलियन। ये डेफिनेटली वो आपकी मर्जी है, लेकिन कंबाइन आपने आंसर फाइंड आउट करना, यकीनन पर काउ निकाल लें और देन मल्टीप्लाई बाय काउस कर लें, यकीनन पॉसिबल है। यहां तक सॉल्व करा दें जरा बैलेंसिंग फिगर। 5.78 मिलियन का लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन है, साथ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना जरूरी है। जी अब लिख रहे हैं जी, ये कंपाउंड एंट्री अलग अलग करना मेरा ख्याल शायद पॉसिबल भी ना हो, करना चाहे तो कर लें, कर भी सकते हैं, शायद थोड़ी सी हिम्मत करके। नहीं मतलब कितने का एसेट है, कितना जा रहा है, कितना फर्क है, शायद ये डिफरेंस है। बाकी समझ आ गई अपनी सबको परसेंटेजेस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अगर आपने वक्त क्लास में इस वक्त ना गुजारा होता तो आपने क्या किया होता इस टाइम? यकीनन पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ तो हम खेल रहे थे, यहाँ तो खेल कूद के चले गए, क्रिकेट का मैच हुआ आज तो गेम में खेली, तो यकीनन आते हुए समटाइम बुरा लगता है, लेकिन ठंडे दिल से इंसान जाते हुए सोचे शायद टाइम वेस्ट होने से बच गया। अगर आप कल भी नहीं आएंगे तो क्या करेंगे इस टाइम? नहीं आप आएंगे, वो तो आना ही है वो बात ही नहीं हो रही, और अगर आप परसों नहीं आएंगे तो क्या कर रहे होंगे? इस टाइम तो कुछ भी नहीं करना, नहीं कर रहे होंगे सर इस टाइम कुछ नहीं। अब वो जमाने गुजर गए कि हम सुबह सुबह उठ के जानवरों को सैर करवाने लेके जाते थे, सुबह सुबह नहीं अब रात को करवा देते, नहीं यार सुबह सुबह कौन उठ रहे हैं? नहीं इस टाइम तो चारे वाले तो गाने भी अब नहीं खुलते, जाने दे सर जमाना तरक्की कर गया सर, वो भी रात 4 बजे बेचारा सोया होगा उसे भी पता मेरा कस्टमर जब 12 में से पहले नहीं आएगा। बहरहाल मेरी बात से आप गलत तरफ चले गए, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, वेस्ट तो हो रहा, यहाँ भी वेस्ट ही हुआ यहाँ से कल शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन आपको लक्ष्य दिया था, उसमें लाइब्रेरीज वाला पॉइंट मैंने डिस्कस करना, लेकिन अपनी तरफ से कर दीजिएगा, लेकिन वो वाला पॉइंट समझ आ गया जो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का टैक्स इफेक्ट है, वो IAS 16 की तरह है, वो क्योंकि अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में गया तो उसका टैक्स इफेक्ट भी अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में जाना, जस्ट लाइक रिवेल्यूशन सरप्लस, जस्ट लाइक रिवेल्यूशन सरप्लस, तो उसकी अलग एंट्री करनी थी आप जिस तरह रिवेल्यूशन सरप्लस। बारह अपनी तरफ से कंप्लीट करके रखें, मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई फिनिशिंग टच देता हूँ सर। अल्लाह हाफिज़ सर, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, जब तक आप नहीं थकेंगे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़, अगर आप सुनना चाहेंगे सर, लेकिन जिस दिन आप मुझे रोक देंगे मैं मजबूर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़ सर। सर जी जब पेपर सामने आता है ना तो सारी ईदें सारी शबराते निकल जाते हैं, जब पेपर सामने आता है ना तो ये बिल्कुल जहन से निकल जाता है मैंने ईद पे छुट्टी की थी या नहीं, उस वक्त जहन में आता था काश एक मिनट एक दिन और पढ़ लिया होता, ये वाला सवाल भी नजर से गुजर गया होता। कोई नहीं सर, बच्चे ऐसे ही होते हैं, रोज समय देखा ले ली आगे स्टैंडर्ड।
क्या बात यार भाई, क्या की तेजी। मैं तो आप लोगों को इनकरेज कर रहा था कि आप लोग